जानते हैं जिंदगी बहुत छोटी होती है, मगर फिर भी हम बहुत सारे सपने लेकर चलते हैं, और हम रोते हैं जब हमारे सपने पूरे नहीं हो पाते। चलिए देखते हैं यहाँ कौन रो रहा है। ये है शंकर, हमारी कहानी का हीरो। इसके बहुत सारे सपने हैं। इसके दिन की शुरुआत सुबह सुबह वर्जिश करने से होती है। इतनी मेहनत करता है ताकि ये इंस्पेक्टर बन सके, और आज ही अपनी ट्रेनिंग खत्म करके पोस्टिंग का इंतजार कर रहा है। अपना हीरो खाली वक्त में स्विमिंग करता है, और कबड्डी तो जैसे इसकी जान है। जीत खेल का हिस्सा है, पर अब तक शंकर को कोई हरा नहीं पाया, और इसी वजह से इसके कुछ दुश्मन भी बन गए हैं। सह नहीं पाओगे। तो जैसे आपने देखा, शंकर के पास सिक्स पैक्स है, हाइट है 6 फीट, हीरो जैसे दिखता है, फिर भी रो रहा है, और इसके रोने की वजह है इंजीनियरिंग में पढ़ने वाली ये लड़की मन। से प्यार करती है उतनी ही शंकर से नफरत। चलिए देखते हैं इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ है। वाओ, इट्स सुपर, आई लव यू शंकर। क्या बात है, आज तुमने मुझे हक किया। तो इसका मतलब तुम मुझे पक्का किस दोगी? Come on, come on, come on, come on। जरा धीरे। बैठ जाओ। लगता है आज सिर्फ गले लगाने का दिन है। ठीक है, ये भी चल जाएगा। That's okay, fine। ये पीछे क्या है? ए, रुको दिखाता हूँ। Okay, मैंने तुम्हारे लिए एक खास चीज लाई है। टन-टन-टन। ये क्या है? लगता है तुम भूल गई हो कि आज कौन सा दिन है। हमारे अफेयर को आज 6 साल पूरे हुए। सही पहचाना ना? आई फॉरगॉट, आई एम सो सॉरी। इतना बुरा भी मत फील करो, प्यार को समझने के लिए सब्र की जरूरत होती है, ऐसे ही तो प्यार जिंदा रहता है। पता है, तुम मुझे मुझसे भी ज्यादा अच्छे से समझने लगे हो। तुम्हारे जैसा लड़का मेरी जिंदगी में आया, आई एम वेरी लकी। क्या, मुझ जैसा लड़का?
मतलब मैं नहीं। बुद्धू, मेरी कहने का मतलब है कि तुम्हारे जैसा लड़का इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तभी तो एक लड़की होने के बावजूद भी मैंने तुम्हें प्रपोज किया। जानू, वो दिन तुम्हें आज भी याद है? वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ। एक काम करते हैं, फ्लैशबैक में चलते हैं। वो देखो। हाय, हेलो, नमस्ते, मैं हूँ आपका। अरे बेवकूफ, कैमरा इस तरफ है, इस तरफ घूमकर बात करो। हेलो, पूरे कर्नाटका में लोग मुझे मेरी आवाज से ही पहचान जाते हैं, और तुम्हें यहाँ नौकरी मेरी वजह से मिली है। जल्दी करो, प्रोग्राम शुरू करने में देरी हो चुकी है। तुम प्रोग्राम शुरू करो। हाँ, करता हूँ अभी, चलो 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 चलो। हाय, हेलो, नमस्ते, मैं हूँ आपका चहेता पवन कुमार। मैं आप सबका लव बकरा कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जहाँ प्यार है वही खुशी है। अगर तुम्हें तुम्हारा प्यार धोखा दे दे तो तुम पानी बहाने लगते हो। क्या? दोनों आंखों से गंगा जमुना। प्यार के बारे में किसे नहीं पता, किसी से भी पूछ लो, बच्चे या बूढ़े बेचारे शर्म आ जाते हैं। यहाँ पे सच्चा प्रेमी कौन है? रुको रुको रुको, ब्रेक लगाओ भाई। अगर लड़का गलती से बस की सामने वाली सीट पर बैठ गया तो लड़की कहती है, ए, दिखता नहीं है क्या ये लेडीज सीट है? क्या मैं सही हूँ? इसी वजह से लेडीज फर्स्ट। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। बॉयज आर बेस्ट। मैंने उसके नाम का टैटू अपने सीने पर बनवाया और उसने 3 दिन बाद ही किसी और से शादी कर ली। बताइए, क्या ये सच्चा प्यार है मैडम? लड़कियां लड़कों को सच्चे दिल से चाहती है, मगर लड़के उनसे झूठ बोलते हैं कि उनके पास कार है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। बात बात पर झूठ बोलकर उन्हें बेवकूफ बनाते रहते हैं। क्या ये सही है? लड़कियां जो है लड़कों को मेकअप के किट में रखी लिपस्टिक की तरह यूज करती है। वो लड़कों को ऐसा यूज करती है जैसे लिपस्टिक यूज कर रही हो। तो ये सच्ची प्रेमिका कैसे हो सकती है? अरे वाह, क्या खूब कहा, ये लड़कियों की तुलना लिपस्टिक से कर रहा है। आपको इस बारे में कुछ कहना है? मैं बताती हूँ सर, ये लड़के जो है ना, लड़कियों से कोई प्यार नहीं करते, समझे आप? अच्छा अच्छा, ये लड़कियों को ऊपर से नीचे तक देखते हैं और फिर पीछे पड़ जाते हैं। एक बार लड़की अगर मान गई तो उसके साथ घूमते हैं, फिरते हैं और एक दिन उसे छोड़ देते हैं। वो सिर्फ टाइम पास करते हैं। तो फिर लड़के सच्चे प्रेमी कैसे हुए? वाह, क्या बात कही है आपने। इनकी बात का कोई जवाब दे सके, यहाँ पर ऐसा कोई सच्चा प्रेमी है? क्या हुआ लड़कों, तो ये मान लो कि सिर्फ लड़कियाँ ही ट्रू लवर्स होती हैं। एक्सक्यूज मी, क्या मैं इसे जवाब दे सकता हूँ? दीजिए सर। दिल तो हमेशा से ही प्यार से भरा होता है, अगर वो दूसरे दिल से मिलता है तब वो टूटता है। प्यार एक ऐसा सिक्का है जिसके दो पहलू हैं, आदर और प्रेम। अगर हम खामियां ही ढूंढते रहेंगे तब तो उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन अगर उसके बदले हम संयम रखें और एक दूसरे को जानने की कोशिश करें तब तो वो प्यार और भी मजबूत होता जाता है। प्यार में या तो लड़का या लड़की कभी बेवकूफ नहीं बनते। तो कौन बनता है बेवकूफ? हमारे माता पिता। प्यार में धोखा चाहे लड़के को मिले या फिर लड़की को मिले, उसका अगर सीधा असर किसी पर पड़ता है तो वो उनके माता पिता पर। हमारे माता पिता हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो सिर्फ लड़का लड़की ही प्यार में पड़ते हैं क्या? माता पिता, बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त, ये सब भी तो हमसे प्यार करते हैं कि नहीं सर? वाह, क्या बात है। अरे जरा रुकिए, मुझे भी कुछ कहना है सर। क्या जवाब दिया है आपने, इस एपिसोड को 4 चांद लगा दिया आपने। आपके हर शब्द में जादू था। क्या आपका प्यार भी कभी मैं बकरा बना? प्रेमिका की कसम खा के कहता हूँ, कभी नहीं सर। आज का कितनी अच्छी बात कही, चलो उससे बात करी है तभी। जाओ जाकर उसका पीछा करो और उसे कैसे भी रोको। लेकिन क्यों? मेरे बचपन का सपना पूरा होने का वक्त आ गया है। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। ए, रुकना। भाई, लगता है वो अपना पीछा कर रही है। अबे, तेरा पीछा कौन करेगा, तू गाड़ी चला। थैंक यू। कुछ भी हो जाए उसे जाने मत देना, मैं बस आ ही रही हूँ। हॉर्निबल सर्कल आ जाना, लेकिन जल्दी आना। तुम वही रुको, मैं 5 मिनट में आती हूँ, ठीक है? अरे रुको ना, बाइक तो रुको।
अबे गधे, लड़की को देख के गाड़ी चलाएगा तो ऐसा ही होगा ना, इतनी बार समझाया तुझे, गाड़ी उठा। मैं तुम्हें कितनी देर से रुकने के लिए बोल रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? ज्यादा कुछ नहीं लगा मैडम, मैडम सॉरी मैडम, गलती से आपकी गाड़ी को धक्का लग गया, ये लीजिए 500 रुपए, मैटर सेटल कर दिया। मंद बुद्धि, तूने मेरी गाड़ी नहीं इनकी गाड़ी को भी गिरा दिया। क्या कर रहा है यार, मेरी इज्जत क्यों निकाल रहा है? उसकी वजह से तुम्हारा पीछा नहीं कर रही थी, मेरी दोस्त ने कहा था इसलिए पीछा कर रही थी। अच्छा, कौन है तुम्हारी दोस्त और उसने हमारा पीछा करने को क्यों कहा? मिस्टर, मैं बताती हूँ, तुम्हारा पीछा करने के लिए मैंने ही कहा था, अगर नहीं कहती तो तुम कहीं चले जाते और मैं वो रिस्क लेना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने उसे पीछा करने के लिए कहा। एक बात बताओ, आखिर तुमने ऐसा किया क्यों? तुमने जो कहा मुझे पसंद आया, और तुम्हारी स्टाइल भी, मैं तुम्हारे कैरेक्टर को और जानना पसंद करूंगी, तो कुल मिलाकर कहूं तो मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूं। पका रही है। मेरे लाइफ पार्टनर में जो खूबियां होनी चाहिए वो सारी की सारी 100% तुम में है। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते, नहीं करता तो ये देखो राखी, पर क्या है ना, मैं तुम्हें ये बांधना नहीं चाहती, तो इसे फेंक देते हैं, और अगर तुम अभी मुझसे प्यार नहीं करना चाहते हो तो ये फ्रेंडशिप बैंड है, तुम अभी के लिए इसे बांध लो, मेरे प्यार में तुम बाद में भी पड़ सकते हो, और जब पड़ जाओगे ना, अरे बाप रे, तो ये है मंगलसूत्र, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम भी तैयार हो तो कहीं और बात करते, कॉफी पीने चलते हैं। बहुत ओवर स्मार्ट है, ऐसा ऑफर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, लेना हो तो लो वरना जाने दो। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ, यहाँ करीब में ये ढाबा है, कॉफी कुछ खास तो नहीं है लेकिन ढाबे पे कोई नहीं आता, पूरा शांत रहता है, सो हम वहाँ हाथ पकड़ कर बातें कर सकते हैं, तो चलें। एक मिनट मैडम, आपने मेरा पीछा किया, मुझे बहुत पसंद आया, आपकी स्टाइल भी बहुत बढ़िया है, आपको देखकर मैं बता सकता हूँ कि आप क्या खाती और कितना खाती होंगी, ये भी बता सकता हूँ कि आप टॉम बॉय से कुछ कम नहीं हो, अगर आपने आपकी खाने की मात्रा थोड़ी कम की ना तो हम दोनों जिंदगी में बहुत खुश रह सकते हैं, आप अगर मोटी भी हो तो क्या मेरे बच्चों की माँ बन सकती हो? आई लव यू डियर। कही के मुझे मोटी भी कहता है और प्रपोज भी करता है। लड़की प्रपोज करे तो प्यार, और लड़का प्रपोज करे तो वार। उन दिनों को याद करके कितना मजा आता है ना शंकर? जिस स्टाइल में तुमने मुझे प्रपोज किया और मैंने जिस तरह से तुम्हें जवाब दिया, और उन दोनों के झगड़े को याद करके सच में मुझे बहुत ही मजा आता है। उस दिन मैं लड़का बन गई थी और तुम लड़की थे, और अगर मैं तुम्हें ना मिलती तो तुम बुद्धू ही रहते। हाँ सही कहा, लेकिन तुम्हें ऐसा कहने की क्या जरूरत थी? चलो एक काम करते हैं, मैं मंगलसूत्र अपने गले में पहन लेता हूँ और बच्चे को भी मैं ही जन्म देता हूँ। इतना गुस्सा भी मत करो, हम अगले 7 जन्म तक पति पत्नी रहने वाले हैं। मैं तो अगले 7 जन्म तुम्हें सारे जहाँ की खुशियाँ दूंगा। अगर तुम उस लड़की का ख्याल नहीं रख सकते जिससे तुम प्यार करते हो तो तुम। रुको 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 रुको, मैं प्रेमी कहने वाली थी। हाँ, मैं तो प्रेमी हूँ ही, इसलिए तो मैंने तुम्हारे लिए तोहफा लाया है। अच्छा, तुम इसे खोल कर नहीं देखोगी? अगर तुम चाहते हो मैं इसे खोलूं, तो जहाँ हमने अपनी पिछली 5 सालगिरह मनाई थी तुम्हें मुझे उन सभी जगह पर ले जाना होगा। अभी के अभी ले जाऊंगा, चलो। भगवान की याद कैसे आ गई? माँ हमें जन्म देती है और भगवान ब्रह्मा हमारी किस्मत लिखते हैं। मैं उन दोनों को साक्षी मानते हुए जन्म जन्म तक तुम्हारा साथ दूंगा।
अरे पगली रो क्यों रही हो? बस ऐसे ही आंसू निकल आए, अब कभी नहीं रोऊंगी। ये क्या है? तुमने तो मुझे यहाँ ये कह के बुलाया कि मुझे अपनी 34 सालगिरह का तोहफा दोगी और तोहफे में ये गुब्बारा दे रही हो? ए हेलो, इस गुब्बारे में मेरी जिंदगी है, तुम्हें और क्या चाहिए? इस साल हम शादी करने वाले हैं ना। यहाँ पर मैं फोटो लगाऊंगा अपने शादी। I love you, शंकर। Love you too, जानू। डैडी आपने अर्जेंटली क्यों बुलाया? आओ बेटी आओ, यहाँ बैठो, बैठ जाओ। ये लड़का तुम्हें कैसा लगा? अच्छा है। कौन है ये? ये लड़का मेरे बिजनेस पार्टनर का बेटा है। ये मॉडलिंग करता है या बिजनेस करता है? मैं सोच रहा हूँ कि इस लड़के से तुम्हारी शादी करवा दूँ। क्या हुआ जानू, तुमने इतने अर्जेंटली मुझे यहाँ बीच पर मिलने क्यों बुला लिया? तुम ये समुंदर देख रहे हो, इसे देख कर क्या लगता है? समुंदर में ऐसा क्या है, सिर्फ पानी और मछलियाँ? वो नहीं, जरा उन लहरों को देखो, मेरी जिंदगी भी लहरों की तरह है। पता नहीं कौन सी लहर आएगी और मुझे डुबा देगी। क्या कह रही हो, लगता है आजकल रामायण और महाभारत की किताबें पढ़ रही हो तभी इतनी फिलोसॉफिकल बातें कर रही हो। जाने दो, अच्छा मैं पानी में जाना चाहती हूँ, तुम चलोगे? एक लड़की को कौन ना कहेगा, आओ चलो। अरे बाप रे। शंकर, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, पूछो। तुम भी कमाल कर दियो, पुरानी फिल्मों के डायलॉग मार रही हो, पूछो ना। क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? हम पिछले 6 सालों से साथ में हैं, लेकिन क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? नहीं, कभी नहीं लगा। फिर भी मुझे जवाब दो, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? मुझसे ऐसे सवाल मत किया करो, मैं तुम्हें 7 जन्मों तक प्यार करता रहूंगा, तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। तो ठीक है, चलो कोर्ट में जाकर अभी शादी कर लेते हैं। देखो, तुम्हें मेरी जिंदगी के बारे में सब कुछ पता है, मैं जब पुलिस ऑफिसर बन जाऊंगा ना, तब मैं खुद तुम्हारे पिताजी से अपनी शादी की बात करने के लिए आ जाऊंगा। मुझे पता है तुम जरूर करोगे, मगर मैं फिर भी कह रही हूँ, और तुम जरा मेरी सिचुएशन को समझो। क्यों? तुम्हारे पिता तुम्हारी शादी कहीं और करा रहे हैं क्या, या फिर कोई लड़का तुम्हें देखने आने वाला है? हाँ, आया था, मेरे हाँ कहते ही डैडी मेरी शादी करवा देंगे। मैं एक बार उन्हें ना कह सकती हूँ, मगर बार बार मैं उन्हें कैसे ना कहूँ? तो क्या इसलिए तुम शादी करना चाहती हो? अच्छा, तो अगर हम अभी के अभी शादी कर लेते हैं तो तुम्हें तुम्हारे डैडी को जवाब नहीं देना पड़ेगा, यही ना? लोग कहते हैं कि लड़कियां बहुत ही इमोशनल होती हैं। देखो, मेरा विश्वास मत तोड़ो। मैंने भी तुम पर बहुत विश्वास किया है, उसे मत तोड़ो प्लीज। तुम्हें आज ये क्या हो गया है? सुनो, चलो यहाँ से घर चलते हैं, चलो। शंकर छोड़ो मुझे, अगर मैं घर गई तो तुम मुझे कभी नहीं मिल पाओगे। ओफो, समझने की कोशिश करो, आखिर आज हो क्या गया है तुम्हें? मैं समझ गई कि तुम कैसे हो,
इट्स ओवर, लेट्स ब्रेक अप। मधु, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब मैं शादी करने के लिए कहूंगी तो तुम इतने स्वार्थी हो जाओगे। मैंने तुम्हें ही अंगूठी बहुत प्यार से पहनाई थी, पर तुम इसके लायक नहीं हो। अब मैं तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं मिलूंगी। गुड बाय। मधु, 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 बचाओ, मधु, मधु। इसका प्यार इसे दूर हो गया इसलिए ये रो रहा है। दिल टूटने के बाद सभी लड़कों की एक ही जगह फेवरेट होती है। ये लड़कियां ना बड़े नकचड़ी होती हैं। बात तो ऐसे करती हैं कि लड़का सुनता ही सुनता है। वो जैसा कहे वैसे के वैसे अगर हम करें ना तो वो हमारे साथ बहुत खुश रहती है और अपने पूरे के पूरे 32 दांत दिखा के हंसती रहती है। और अगर हम उनकी बात नहीं मानते हैं ना तो ब्रेकअप हो जाता है, दिल तोड़ देती है। लड़कियाँ च्युइंगम की तरह है। पहले तो लड़कियाँ हम लड़कों के साथ अच्छा बर्ताव करती है और कुछ दिनों के बाद हमारा कचरा कर देती है। हमें इस प्यार पे बैन लगाना चाहिए। सही कहा दोस्त, तूने एकदम सही बात बोली है। देख भाई, जब कुंडली में शनि बैठा हो ना तो कुछ भी सही नहीं होता है, सब खराब होता है। एक काम कर, तेरी कुंडली दे मुझे, मैं पंडित जी को दिखा कर आता हूँ। कौन है बे वो? मैं हूँ। ये मुझे शनि जैसा क्यों लग रहा है? मैं ही हूँ, पर ऐसा वैसा शनि नहीं हो। कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे जैसे लोगों को नरक के दरवाजे तक जो छोड़ कर आता है वैसा शनि हूँ मैं। समझे कि समझाओ? शनि हो तो कुछ करके बताओ। मैं शक्ल से तुझे क्या वो नजर आता हूँ? अगर मैं अपनी उंगली का एक इशारा कर दूं तो मेरे आदमी तुम सबको यहीं पर टपका डालेंगे। हेलो, ये दुश्मनी तेरे और मेरे बीच है। आदमियों को लेके लड़ना तेरा स्टाइल है, पर मैदान में अकेले उतर के लड़ना मेरा स्टाइल है। जो करना है वो कर ले। मैं उससे लड़ने के लिए पूरी तैयारी करके आया हूँ, आज तुझे पता चलेगा। भाई जरा दिमाग ठंडा रखो, इसने कभी दारू नहीं पी है। आज पी है क्योंकि इसकी प्रेमिका ने इसका दिल तोड़ दिया है। भाई आज लड़ाई रहने दो, कल सुबह लड़ते हैं, ठीक है? कल एम्बुलेंस भी लेके आ जाएंगे। चलो ये बात करते हैं कि इलाज के लिए एम्बुलेंस पहले कौन लेके आएगा? पहले तुम लाओगे या हम लाएंगे? इसकी बातों पे ध्यान मत दो बॉस। चलो। अब उनकी महबूबा ने भी अब उनके साथ धोखा किया था। धोखा, उसने मुझे छोड़ दिया, इसलिए ऐसे गुंडों जैसे कपड़े पहनता हूँ, सर और दाढ़ी के बाल लाल पीले करता हूँ, सांड जैसा घूमता हूँ। आज के बाद तू भी हम में से ही एक है दोस्त। सुपर, क्या बात कही है, बहुत बढ़िया। क्या खूब कहा है, बहुत बढ़िया बात कही है। अरे अब तू कौन है यार? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ यार। जो भी इस अड्डे पे दारू पीने आता है वो अपना दोस्त ही होता है यार। इस बार में आने वाले 90% लोग टूटे दिल के मरीज होते हैं। भाई मेरी बात सुनो, उनकी गलती नहीं है, अपनी है। भाई हम सब कुछ जानते हैं फिर भी लड़कियों पे भरोसा करते हैं और अपना दिल उन्हें दे बैठते हैं। यही अपनी सबसे बड़ी गलती होती है भाई। एकदम सही कहा दोस्त, प्यार की ना आजकल कोई कीमत ही नहीं है। मेरी प्रेमिका मुझे टाटा बाय बाय बोल के सीधे निकल गई। देखना, मैंने जिंदगी में कभी दारू नहीं पी, लेकिन आज मैं नशे में धुत हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि मैं उसे भूल नहीं सकता, इसीलिए आज के बाद ये बार ही मेरी बीवी, मेरा घर, मेरे दोस्त है, समझा? और आज से ना मैं सिर्फ दारू पिया करूंगा। दोस्त, मैं अपने होश में नहीं हूँ, एक और पेग मंगाओ, फुल टून होना चाहता। तू बहुत ही टून है, अभी घर जा। ए, मुझे खंबा दे, चल।
सपना था। Ready to marry you? I'm sorry. I'm ready to marry you. Oh. I'm sorry. I'll wait for you. में कौन होगा? हाँ? शंकर, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है ना? तुम ही हमेशा कहते रहते हो ना, किस दो किस दो। मैंने आज तुम्हारा दिल दुखाया है, इसलिए तुम्हारे कहने से पहले ही मैंने किस दी थी। मुझे बताओ, इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ दरअसल तुम्हारे पिताजी से हमारी शादी की बात करने आया हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई? मेरी हिम्मत पर शक कर रही हो? ससुर जी, ससुर जी। ठीक है ठीक है, डैडी उठ गए तो मेरी जान ले लेंगे। वो उठ जाएंगे इसलिए तुम डर रही हो, या फिर ये चाहती हो कि वो हमें डिस्टर्ब ना करे? ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस एक अच्छे घर की लड़की हूँ इसीलिए, समझे? अब तुम्हारा हाथ आगे करो। वो क्यों, कहीं राखी बांधने का इरादा है क्या? मैं तुमसे मंगलसूत्र बंधवाने के लिए तैयार हूँ, राखी बांधूंगी, हाथ आगे करो। अरे ये क्या, इसे गुस्से में मुझसे छीन लिया था और अब प्यार से पहना रही हो? देखो मधु, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा इसी तरह खुश रहना। प्यार में पड़ी लड़कियों का गुस्सा बहुत ही खतरनाक होता है। पर तुम मुझे संभाल लोगे, है ना? वो जाने दो, तुम इसे मेरी याद समझकर हमेशा अपने पास रखना। ओके, मैं यहाँ ये बताने आया हूँ कि आज मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, तो कल हम मंदिर चलें? ठीक है, पर हम दोपहर में जाएंगे। ओके, दोपहर में? लेकिन क्यों, तैयार होने के लिए इतना वक्त चाहिए? नहीं, मुझे एक फ्रेंड की ऑफिस में कुछ काम है, वो खत्म करके आती हूँ। मंदिर में तो मिलने वाले हैं, मगर क्या तुम मुझे पप्पी नहीं दोगी? नहीं, वो सब शादी के बाद ही, समझे? एक बार हमारी शादी हो जाए फिर ये सब तो होना ही है। ओके ना, चलो चलो अभी जाओ, नहीं तो शादी से पहले ही हमारे बच्चे हो जाएंगे। जाओ 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 जाओ। क्या हुआ? पंचर। अब हम क्या करें? अब एक ही रास्ता है, धक्का लगाते हुए जाना पड़ेगा। आओ चले। और नहीं, बस थोड़ी दूर है, पंचर की दुकान सामने। थोड़ी दूर कहके इतनी दूर लेकर आए हो? तो अब गाड़ी पे बैठोगी क्या? नहीं बैठूंगी। बादशाह। आशु, आखिर मिल ही गया, लगता है कोई नहीं। मधु जरा देखो तो। अरे भाई, बाइक का पंक्चर बना दोगे? ओके सर। लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? मैं क्या बताऊं सर,
दिल तो पागल है, सिर्फ स्टोरी थोड़ी सी चेंज है सर। मेरी लव स्टोरी बहुत दुख भरी है। लगता है ये इसी तरह वो लड़की जो जा रही है ना, वो मेरी प्रेमिका है। ये पंचर ठीक करने वाला नहीं है। खुद को संभालो भाई। अब बताओ पंचर ठीक करोगे या नहीं? हाँ करता हूँ सर, गाड़ी यही रख दीजिए। सुनो इनका नंबर ले लो, हम बाद में कॉल कर देंगे। कितनी शांत जगह है ना? जानती हो इसीलिए तो मैं तुम्हें इस जगह लेके आया हूँ। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है शंकर। जब तक मंजिल पर ना पहुंचो रुको मत, दैट इज लाइफ। हे भगवान। हे शंकर। हे मधु, क्या हुआ तुम्हें? मैं बहुत थक गई हूँ। अच्छा देखो वहां पर वो घर दिखाई दे रहा है, वहां चलते हैं और पानी पीते हैं। भगवान का शुक्र है यहाँ पर एक घर तो है। चैतन्य योग केंद्र। देखते हैं अंदर कोई है क्या। अरे क्या कर रहे हो तुम? घंटी सुनाई नहीं दे रही है क्या? इस घर में सड़क के कुत्ते की भी बहुत इज्जत है, मगर घर के बावर्ची की कोई इज्जत नहीं रखता। घर के नौकर को बुलाने का ये कौन सा तरीका है? मेरे घर वालों ने मेरा एक अच्छा खासा नाम रखा है, बावर्ची मत बुलाया करो। कितनी बार कहा? लगता है घर में कोई नहीं है, चलो चलते हैं। अरे बाबा इतनी भी जल्दी क्या है तुम्हें? थोड़ी देर रुक तो जाओ, कोई ना कोई तो दरवाजा खोलेगा ही ना। मैं बहुत थक गई हूँ, खड़ी भी नहीं रह सकती, चलो ना। रुको तो। देखिए मैं आपके लिए ठंडा ठंडा पानी लाया हूँ, पीजिए आपको अच्छा लगेगा। मैं बहुत थक गई हूँ। कौन है आप दोनों? किससे मिलने का आपको, जल्दी जल्दी बताओ। किसी से मिलना नहीं है सर, बस हमें थोड़ा पानी चाहिए। धोने के लिए चाहिए? धोने के लिए नहीं, पीने के लिए चाहिए। ओहो ज्यादा ही होशियार लगते हो बेटा, मगर पीने से पहले तुम्हें धोना तो पड़ेगा ही ना। क्या मतलब? तुम्हारे हाथ और पैर। वक्त बहुत बदल चुका है बेटा, हनीमून मनाने के लिए अब शादी करने की जरूरत नहीं पड़ती। सही बोला ना मैंने? तुम दोनों भी शायद हनीमून मनाने आए हो ना यहाँ पर, दोनों थके हुए लगते हो। ये घर देखते ही यहाँ पर पानी पीने के बहाने चले आ गए हो, सही पकड़ा ना मैंने? हेलो आप गलत समझ रहे हो, हमारी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी, उससे धक्का लगा लगा कर थक गए। धक्का देने के बाद ही तो थकावट आती है, शुरुआत में थकान होती है, प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। मजाक कर रहा था मैं, बुरा मत मानना तुम, अंदर आ जाओ। नहीं ठीक है, हम पानी पीकर यहीं से चले जाएंगे, हमें अभी भी 50 किलोमीटर सफर करके घर वापस जाना है। अरे अंदर आ जाओ, पानी पियो, फिर जल्दी से चले जाना तुम। इस बात का डर है तुम्हें? यहाँ कौन सा भूत थोड़ी ना है। ये क्या हुआ? पानी पीते समय मेरे हाथ से गिलास फिसल गया। ये कौन है? ये थोड़े थक गए हैं, बस पानी पीने आ गए हैं। हमारा परिवार मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है, तुम किसके इंतजार कर रहे हो? ये तो बस बाहर के लोगों की परवाह, घर वालों की कोई परवाह नहीं है। बाहर खड़े होकर शर्मिंदा ना करें, अंदर आके पानी पीजिए। नहीं नहीं ठीक है सर, हम यहीं पर। नो, आपको अंदर आने के बाद ही पानी मिलेगा, अंदर आइए, इसे अपना घर ही समझिए। आइए आइए आइए। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, कम ऑन, आओ बैठिए बैठिए। ओके सर। यहाँ कैसे आना हुआ आप लोगों को? हम मंदिर में दर्शन के लिए आए थे और हमारी गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी गैराज में होने की वजह से हमें चलकर मंदिर जाना पड़ा, थक गए इसलिए यहाँ पानी पीने चले आए। वैसे जान सकता हूँ आप क्या करते हैं? इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग अभी अभी पूरी। सत्या सत्या कहाँ है तू? अरे आप लोग इतना डर क्यों गए? बचपन से ही ये बहुत शरारती था और जब भी ये शरारत करता था तो इसकी माँ इसे पुलिस के नाम से डराती थी, तब से ये ऐसा ही है।
ये मेरा दोस्त नागेंद्र है। सही कहा, जो कुछ सत्या बोल रहा है सब सच है। अरे लीजिए ना। ये लीजिए। एनर्जी ड्रिंक काफी अच्छा है। एनर्जी ड्रिंक? ए, मैंने तुझे नारियल पानी देने को कहा था ना। उन्होंने पानी मांगा मगर आपने नारियल पानी देने के लिए कहा। देखिए मैं इस घर का सेवक जो ठहरा, आपने नारियल पानी देने के लिए कहा, मैंने एनर्जी ड्रिंक दे दिया। मेरी इज्जत बढ़ जाएगी और इन दोनों की एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। ए नंदा, औकात में रह तू। यहाँ फैसला हम करते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, माफ कर दो, इस बार ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी मुझे। हमें अब निकलना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, जाइए, संभल के जाना। अब हम चलते हैं, मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया शंकर। चले। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एनर्जी ड्रिंक सुपर था। बारिश भी अभी आनी थी। ये लो, बारिश का है ऐसा ही है, जब लगा तब शुरू हो जाती है। ऐसे में बाहर जाओगे तो पूरा भीग जाओगे। बारिश रुकते चले जाना। नहीं, हमें पहले ही बहुत देर हो गई है, गैराज यहाँ से करीब ही है। गाड़ी भी ठीक हो ही गई होगी, हम चलते हैं। मैं कुछ नहीं सुनने वाला, बहुत बारिश है, देखो तो सही। बारिश रुकने के बाद चले जाना, मैं खाना बनाता हूँ। तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड को गाड़ी चलाने के लिए ताकत चाहिए ना। नहीं सर, अभी हम जाएंगे, बाहर बहुत बारिश हो रही है, ऐसे में आप कैसे जाओगे। बारिश को रुक जाने दीजिए, उसके बाद चले जाइएगा। इतने दिनों में काम की बात की है, मैं अभी खाना बनाता हूँ। ठीक है सर, अब आप इतना कह ही रहे हैं तो हम रुक ही जाते हैं। आइए कुछ देर आराम कर लीजिए, आओ। क्या बात है, तुम उन दोनों की बहुत खातिरदारी कर रहे थे, क्या बात है। दोनों की नहीं, सिर्फ उस लड़की की। ऐसा सोचना भी मत, फल पका हुआ है तो जल्दी खा लेना चाहिए, नहीं तो वो सड़ सकता है। मगर खरीदने वाले को खाना चाहिए, चुराने वाले को नहीं। देखो अभी और भी बहुत से जरूरी काम करने बाकी हैं। हाँ क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले जरा मजे तो कर लो। नहीं नागेंद्र, वो जल्दी शादी करने वाले हैं, तुम अपना ध्यान काम पे लगाओ तो ही अच्छा होगा, उन्हें अकेला छोड़ दो, समझ गए ना। अरे सत्या, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, आज तक मैंने तुम्हारी कोई बात टाली है क्या। ठीक है, नहीं देखूंगा लड़की को, ठीक है ना। शंकर, एक बार उस मैकेनिक को कॉल करके पूछो ना, गाड़ी रेडी हो तो हम निकल जाएंगे। थोड़ी देर रुक जाओ मधु, बारिश अब रुकने ही वाली है, हम जल्दी निकल जाएंगे। हाँ तुम एक बार कॉल करके तो देखो, अगर गाड़ी रेडी हुई तो हम गैराज तक इनकी गाड़ी में लिफ्ट ले लेंगे। ठीक है चलो, मैं कॉल करता हूँ। हेलो सर, मैंने अपनी बाइक पंक्चर बनाने के लिए दी थी, रेडी हो गई क्या। नहीं सर, ट्यूब बदलना पड़ेगा। हाँ तो बदल दो। मेरी दुकान में ट्यूब नहीं है, मैं सुबह शहर जाकर ले आऊँगा, आप एक काम कीजिए सुबह आ जाइए। सर देखिए हमें बहुत दूर जाना है, चाहो तो आप और पैसे ले लो ना। बिल्कुल नहीं, ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी कभी अमीर हुआ करता था, मुझे इससे प्यार हुआ और मैं बर्बाद हो गया। अरे सर आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, हम यहाँ पर बिल्कुल नए हैं और अभी चैतन्य योग केंद्र में रुके हैं। देखिए हमें जल्दी से जल्दी घर पर पहुँचना है सर। दारू पीने के बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता, तू फोन कट कर दे। मैं आधे घंटे में वहाँ पहुँच रहा हूँ, गाड़ी तैयार रखना बस। अरे बोला ना फोन कट कर दे, ये मेरा फोन है, इसकी तो बैटरी निकल देता हूँ। बेवकूफ, उसे देखते ही मैं समझ गया था कि वो एक नंबर का बेवड़ा है, देवदास। क्या कहा उसने। कुछ खास नहीं, कहा कि खाना रेडी है, खाओ और सो जाओ, और सुबह का ब्रेकफास्ट भी करके ही आना। अब मजाक छोड़ो भी, सच सच बताओ उसने क्या कहा, बाइक रिपेयर हो गई है ना। नहीं जानू। ओह नो, अब हम क्या करेंगे, कैसे जाएंगे। ऊपर वाले पे छोड़ दो। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ ना, बी हैप्पी। इतनी रात में हम दोनों साथ हैं, वो भी शादी से पहले, बहुत अच्छा लग रहा है ना।
I'm so excited, you know? चुप रहो, मैं यहाँ परेशान हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। तुम भी अजीब हो। तुम चिंता क्यों कर रही हो? I love you, जानू। But I hate you. हाँ, stupid. I love you, जानू। सब लोग आ जाओ, खाना तैयार है। एक बात बताओ, इतना टेस्टी खाने का राज क्या है? बहुत ही आसान है, उसमें राज की क्या बात है? लोग हमेशा सब्जी के ऊपर मसाला छिड़कते हैं ना, मैं ऐसा नहीं करता। मैं मसाले के ऊपर सब्जी डालता हूँ, इसलिए टेस्टी बनता है। हाँ, दोनों में फर्क क्या है? बहुत बड़ा फर्क है भाई। जैसे चड्डी पैंट के ऊपर पहनना और पैंट चड्डी के ऊपर पहनना, बहुत बड़ा फर्क होता है ना। शंकर, एक बार मैकेनिक को कॉल करके देखो ना। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, हम सुबह कॉल करेंगे। क्यों बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं नंदू, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। हमने उसे गैरेज में छोड़ा है और उसने कहा कि सुबह तक रिपेयर नहीं होगी। मैं सोच रही हूँ आज की रात कहाँ गुजारेंगे हम। एलो, उसमें चिंता करने की क्या बात है? अपना ये हीरो कोई ना कोई हल निकाल ही लेगा ना। तुम बस खाना खाओ, खाना खाओ, चिंता मत करो। तो नंदू, पुलाव बहुत टेस्टी बना है। जिन्होंने मेरे खाने की तारीफ करनी चाहिए वो कभी नहीं करते। कौन, तुम्हारे मालिक? अरे काहे के मालिक है, इसलिए मालिक। अबे माफ करना, सॉरी। तो क्या तुम्हारी बीवी? एकदम सही पहचाना तुमने। अगर उसे मेरा कुछ भी अच्छा लगता था ना, तो अब तक मैं एक बच्चे का बाप होता और तुम उस बच्चे के मामा होते और तुम मामी। नंदू की लव स्टोरी बहुत ही दुख भरी है। सही कहा तुमने बेटा, मेरी बीवी ने बनाया हुआ खाना मैंने अब तक सिर्फ सूंघा है, कभी टेस्ट नहीं किया और करने की हिम्मत भी नहीं है मुझ में। तुम ऐसे ही दूसरों के घरों में खाना बनाते रहे ना, तो तुम्हारे घर का खाना कोई और खा जाएगा। क्या 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 बकवास क्या किया जा रहे हो? फिर से एक बार कहो, अगर तुम मेरे घर के आसपास भी दिखे ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। चुप कर। ए, छोड़ो उसे। तुम हमेशा अपना गुस्सा इस पे निकालते हो। ए, और तुझे तो मारूंगा मैं, चल जा यहां से। इंसान है, शैतान समझ में नहीं आता। फिर से मुझे मारा, फिर से मुझे मारा। मैं हूँ। आप है क्या? हाँ। अच्छा देख, अब उन लोगों ने खाना खा लिया, उनको जाने को बोल। मगर साहब, उस लड़के की गाड़ी अभी पंक्चर है ना। उस लड़के ने मैकेनिक को फोन किया था लेकिन उसने सुबह आने के लिए कहा है। अब इस हालत में मैं उन्हें कैसे जाने के लिए कह सकता हूँ? एक काम कर। हाँ बोलो। यहाँ पास में कोई होटल होगा ना, उन्हें ले जाके वहाँ छोड़ दे। वो क्या है सर, इस इलाके में कोई भी होटल नहीं है, अगर मिल भी जाए तो भी ये वक्त सही नहीं है ना सर, और मुझे नहीं लगता कि उन्हें यहाँ से भेजना चाहिए। सुनिए सर, सुनिए ना, अगर आप इजाजत दें तो। इजाजत? मैं उन दोनों को आज रात यहीं रुकने के लिए कहता हूँ ना। सुन, हमारे साथ जो दूसरा आदमी है वो आ गया, मुझे नहीं लगता कि लड़की को यहाँ ठहरना चाहिए। मालिक, आप यहाँ पर हो, एक पूरा परिवार यहाँ पर रहता है, वो बेचारी लड़की आपकी बेटी के जैसी है। मैं आपसे देखिए विनती करता हूँ हाथ जोड़ के, प्लीज मान जाइए ना। तुम समझ नहीं रहे हो सत्या। उन्हें आज रात यहीं ठहरने दो, हमारा काम तो कल शाम से शुरू होगा, वो सुबह चले जाएंगे। आप दोनों नेक दिल हो। सही काम किया। आइए ना, डरिए मत, मैं आप दोनों को कुछ बताना चाहता हूँ। देखो ये कमरा है, अंदर चलो 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 चल। आज का मौसम बड़ा ही अजीब लग रहा है, देखा तुमने? और बारिश भी जरा सी अलग सी ही है। मेरे मालिक ने आपको अपनी बेटी समझ के यहाँ आज रात ठहरने की इजाजत दी है, तो आप यहाँ सो सकते हो। अब कुछ मत कहना, बस सो जाओ, ठीक है? सो जाओ, सो जाओ। हम यहाँ कैसे सो सकते हैं? अरे क्यों नहीं, आपको इस कमरे में अच्छी नींद आएगी, सो जाओ सो जाओ। और अगर आपको नींद नहीं आती है तो एक दूसरे से बातें कर लेना, बातों बातों में सुबह हो जाएगी। चलो मैं चलता हूँ, गुड नाइट, बाय। सत्या, मेरे बिजनेस पार्टनर की जगह मेरे रिश्तेदार बनोगे? ए, शराब पी के कुछ भी बकवास मत करो, पहले अपना काम खत्म करो, नहीं तो प्लान फेल हो जाएगा। हाँ। तुम चाहे जो भी कहो सत्या, वो लड़की बहुत ही खूबसूरत है, मैं अपनी नजर उससे हटा नहीं पा रहा हूँ। जैसे जैसे मेरा नशा बढ़ रहा है, वो मेरे दिमाग में हावी जैसे होती जा रही है।
मेरे बॉडी के सारे पार्ट्स वाइब्रेट होते जा रहे हैं। देख मेरे भाई नागेंद्र, चाहे कुछ भी वाइब्रेट हो, वो आज यहाँ आए हैं कल चले जाएंगे। तुम उस लड़की के बारे में सोचना छोड़ दो, नहीं तो हमारे 50-50 की पार्टनरशिप खत्म हुई समझो, फिर तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। ये डील मैंने की है, पूरा प्लान और स्केच भी मेरा है, कम से कम मुझे 75% मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला ना तो अच्छा नहीं होगा। 50% से एक ढेला भी ज्यादा नहीं दूंगा। दारू एंजॉय करो, उस लड़की के बारे में सोचना छोड़ दो, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, मुझे मजबूर मत करो, पूरा मूड खराब कर दिया। मजबूर मत करो, बस ये डील हो जाने दे, फिर दिखाता हूँ क्या हूँ मैं। ये बुजुर्गों के लिए और ये मेरे लिए प्रणाम। चल तू चला तू, आई बला को टाल तू, चल तू चला तू। कुछ भी हो जाए मैं सत्य और नागेंद्र को नहीं छोड़ूंगा, उन दोनों को मार दूंगा। अरे उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सबके सामने बेइज्जती करने की, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा मैं उन दोनों को, मार दूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा। कठपुतली बनाकर नचा रहा है, यहाँ तक आने के बाद भी तू मुझे नचा रहा है सत्या। मुझे जो चाहिए वो चाहिए, मुझे जो चाहिए वो किसी भी सूरत में चाहिए, अगर मुझे नहीं मिला तो मैं छीन लूंगा। हे नागेंद्र, मेरे मुंह पे बात करने की हिम्मत नहीं है इसलिए इतनी दूर से बात कर रहा है। शंकर सुनो ना, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ओ, ऐसा क्या? तो चलो एक काम करते हैं, पूरी रात हम एक दूसरे की आंखों में यूं ही देखते रहेंगे, हो सकता है तब शायद तुम्हें थोड़ा कंफर्टेबल लगे, क्या कहती हो? पागल, मैं सीरियस हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है, तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है, यू आर सो केयरलेस। तुम्हारी परवाह करता हूँ वरना तुम्हें इतनी हिम्मत करके यहाँ तक नहीं लाता। मैं एक बड़ा छोरा लूंगा और दोनों के अंदर ऐसे 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 घुसा दूंगा। कहाँ पर गया छोरा, छोरा कहाँ है? धंधा करना मैंने तुझे सिखाया और तुम उससे परसेंटेज मांगेगा, तुम्हें ज्यादा बड़ा हिस्सा चाहिए। तुमने गलती कर दी नागेंद्र, तुम्हारी ये गलती माफी के लायक नहीं है, उसकी सजा मिलेगी, तुम्हारी मौत। ये खेल मैंने शुरू किया था और खत्म भी मैं ही करूंगा, मुझे माफ करना सत्या, माफ करना, माफ करना। हम यहाँ पर सेफ हैं और अगर कोई हमें तकलीफ देने की कोशिश करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं भी बेवकूफ हूँ, मैंने उल्टा पकड़ा हुआ, उल्टा कैसे पकड़ लिया मैंने, नहीं छोड़ूंगा उन दोनों को। तुम्हारे माथे का पसीना अपने होठों से पूछ दूं?
ये किसने किया? मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने नहीं किया। तुम्हारे हाथ में चाकू है, तुमने ही मारा होगा। भीम के पास गदा होती है और वैसे बावर्ची के पास चाकू होता है, इतना भी नहीं समझते? बड़ी बड़ी बातें करते है, दिमाग है या भूसा भरा है समझ में नहीं आता। ए, मैं तुम्हें मार दूंगा। आप छुरे से किसी को घोप सकते हो मगर पीट नहीं सकते। देखो इसको देखकर लगता है किसी ने पीट पीट कर मारा है, छुरा नहीं घोपा है, समझे ना आप? फिर इसे मारा किसने? मैंने मारा, मैंने इसे मारा है सर। मैंने ही मारा है शंकर, मगर सिर्फ अकेले ही नहीं मरा, इसके साथ हमारे सपने, ख्वाहिश, जिंदगी, भविष्य, ये सब कुछ भी मर गया है। सर दरअसल इसकी जान मैंने ली है। हाँ? मैंने मारा है इसे। शंकर तुम मेरे गुनाह का इल्जाम अपने सर पर क्यों ले रहे हो? मैंने इसे मारा है सर, मैंने ही इसे मारा है। अच्छा काम किया। हाँ? बहुत अच्छा काम किया। ये लड़कियों पे गंदी नजर डालकर रात में उन्हें दबोचता है, ऐसे घिनौने शैतान को मारा, अच्छा काम किया। हमें जल्द से जल्द इसे जला देना चाहिए, इसे जला देंगे तभी हम बच पाएंगे। तुम लोग यहाँ आए ही नहीं, कुछ देखा भी नहीं, चुपचाप घर जाओ और अपनी जिंदगी जियो। ये सब मैं संभाल लूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं निपट लूंगा इससे। सर ये इंसानियत नहीं है सर। मैंने इसे मारा है, इसका इल्जाम मैं आपको कैसे लेने दूं? कुछ गलत नहीं किया, नहीं किया। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, जाओ। मालिक मैं भी जाऊँ क्या? मेरे हाथ से पिटेगा तू, जब तक इस लाश को ठिकाने नहीं लगा लेते हैं, तुम्हारी परछाई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। आसमान से गिरा और खजूर मेट का, किसी को तो इल्जाम सर पे लेना होगा ना, मैं लेता हूँ। सर जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता हम नहीं जाएंगे यहाँ से। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, वो मर चुका है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हमने गलती की है और हम ही उसे सुधारेंगे। हाँ ये सही कह रहे हैं सर, अगर मैं खाना बनाता हूँ तो बर्तन भी मुझे ही धोने पड़ते हैं ना। कोई अपना मुंह बंद रख, यहाँ पे खून हुआ है इसलिए चुप हूँ, अगर तुमने मेरा बीपी बढ़ाया ना तो मैं तेरा खून कर दूंगा। खड़े खड़े देख क्या रहे हो, यहाँ से निकलो, निकलो। ए बावर्ची इस वक्त कौन आया होगा? मालिक यहाँ पर लाश पड़ी है, मैं दरवाजा कैसे खोलूं? ले पर जा, ये हाँ कर, ये लीजिए लाश को इस बोरी में डाल दीजिए। अरे पहले बोरे को खाली तो कर, आओ मेरी मदद करो। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, दरवाजा खोलो घंटी बजी है, देखो बाहर है कौन है। बोलो ऊपर वाले, बचा मुझे, बचा, मेरी जान निकल जाएगी अभी, बचा मुझे। चुप रहो, आगे खोलो, मैं ही हूँ। अरे मतलब तू है क्या? तुम्हें किसका इंतजार था? नहीं 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 नहीं, मतलब तुम्हारा ही, तुम्हें अभी यहाँ पर आना नहीं चाहिए था, यहाँ माहौल जरा बिगड़ा हुआ है ना, मतलब है कि मिर्जान तुम यहाँ कैसे आ गई अभी? मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, मैंने तुम्हारे लिए एक डिब्बे में बासमती चावल चुरा के रखे हैं, मालिक से छुपा के, मैंने किसी को नहीं दिए, पूरे 250 ग्राम है, तुम अकेले ही खा जाना दबा के। मुझे 250 ग्राम नहीं चाहिए। फिर कितना चाहिए तुम्हें? मुझे 250 ग्राम चाहिए। मुझे कंफ्यूज कर रही है, ज्यादा बात मत करो, अंदर जाओ, मेरा तो नसीब ही खराब है। मुझे ये बताओ कल रात को तुम घर क्यों नहीं आए, ये बताओ ऐसा कौन सा काम आन पड़ा था? हे भगवान ये जगह कितनी गंदी करके रखी है, ए इतनी गंदगी रहेगी तो कभी खुशहाली नहीं आएगी। वो सब जाने दो, पहले से यहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ चल रही हैं। क्यों क्या हुआ?
अबे अबे मैं यहाँ का कचरा बाहर फेंक ही नहीं पा रहा हूँ, हालात ही कुछ ऐसे हो गए। ऐसा क्या हुआ? अब मैं इसे कैसे समझाऊँ, बोला है तो कुछ बताना पड़ेगा ना। पिछले कुछ दिनों में मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है। देखो इतने भले चंगे तो लग रहे हो, तुम्हारी कमर में दर्द है? हाँ तुमने सच कहा, मैं बाहर से अच्छा लग रहा हूँ पर अंदर से बहुत दर्द हो रहा है, बहुत बेहाल हो गया हूँ। आदमी मुझे बताओ झाड़ू कहाँ है? झाड़ू वहाँ पर है, वहाँ पर रखिए। हे राम, ये क्या घर है, पूरा कबाड़ खाना है। रुक जा, वहाँ झाड़ू मत लगा, मेरी बात सुन। वहाँ झाड़ू पहुँचाओ। अरे बाप रे, घर में तो नए मेहमान आए हुए हैं। स्टोरी में कुछ ट्विस्ट लग रहा है मुझे, ये हीरोइन जैसे लगने वाली। ए, कौन है ये? अरे अभी तो तुमने कहा ना कि वो हीरोइन है और वो लड़का है, दोनों प्रेमी है। प्रेमी? ये कौन है? अबे अबे अबे, तुम भी कितने बुद्धू हो, अगर ये हीरोइन है तो वो हीरो है ना, आई बात समझ में? अरे पागल, अगर ये दोनों हीरो हीरोइन है तो वो आदमी क्या विलन है? ये पागल औरत, वो इस घर के मालिक है, मालिक कुछ भी बके जा रही है। ए नंदू, तो मुझे झूठी कहानी सुनाने की कोशिश मत करा। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं इस घर का मालिक कौन है? मेरे कहने का मतलब है वो इस घर के दूसरे मालिक है, दूसरे। पर मैंने इन्हें पहले तो कभी नहीं देखा। शंकर, तुम्हारी याददाश्त काफी कमजोर लगती है, मैं तुझे भी याद दिलाता हूँ। मधु, क्या हुआ मधु? जिसने वरदान पाने के लिए ब्रह्मा को भी धमकाया, और तुम लोग मुझ जैसे राक्षस से उलझने की कोशिश कर रहे हो। तू मुझसे सवाल पूछ रही है? मालिक, आप कौन से किस्म के राक्षस थे, वो सिंह वाले? उनमें से कोई भी नहीं, मेरी बात सुनो, अपनी धर्म पत्नी को समझा दो, अगर गलती से भी उसकी आवाज का वॉल्यूम मेरे सामने बढ़ा ना तो मैं तुम दोनों को मार कर ऐसी जगह फेंकूंगा कि प्रेत आत्मा बन के भटकोगे, समझ गए ना? मालिक, आपने जो कुछ भी कहा वो आधा समझ में आया, पर आज ही बात दिमाग के ऊपर से चली गई। अब आया? बात दिमाग में डालने के लिए होल करना जरूरी है क्या? ये सब क्या चल रहा है? मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ, इस घर में खून हुआ है। खून? चुप हो जा, बस कल शाम तक एक लफ्ज़ भी मत बोलना। कल इस घर के असली मालिक आ रहे हैं, वो इन्हें कुछ तो चीज देने वाले हैं, फिर ये चले जाएंगे यहाँ से। तब तक वो जैसा कहे करती रहो, अगर नहीं किया तो वो खून का इल्जाम हम पर ही लगा के हमें जेल में भेज देगा, या फिर हमें इसी घर में आत्मा बन के घूमना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, तुम जेल जाना पसंद करोगी या फिर आत्मा बन के भटकना? आत्मा, जेल, भूत, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। जिंदगी में पहली बार तुम बिना टोके मेरा कहा मान रही हो, ऐसे ही मानते रहना, सुकून मिल रहा है मुझे। हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, चलो उठो, संभल कर। सुनो, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ, अगर तुम्हें एक और लाश नहीं देखनी है तो चले जाओ। चलो जाओ, कम ऑन मूव। वेट, हे बावर्ची। मैं दो प्यार करने वालों को हम परेशान कर रहे हैं, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, कभी तुम्हारी शादी नहीं होगी। बेवकूफ, वो तुम्हें बुला रहा है, उसके पास जाओ। तुमने सुना नहीं क्या? दरवाजा खोल। मालिक, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा अभी। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार दूं? मैं जाता हूँ, जाता हूँ। बैठक ही खराब है मेरा। जब भी घंटी बजती है दिल की धड़कन रेस खेलने लगती है। हे माँ मेरी, रक्षा करना मेरी माँ, रक्षा करना माँ। पुलिस! इस भंवर लाल के आने से मुजरिम थर थर कांपे, कोई ना बच पाए। मैं भीम सा ताकतवर, चाणक्य सा बुद्धिमान, क्रिमिनल्स को न छोड़ूंगा। मैं,
सर हाँ? वो खाली बंदूक है, उसमें गोलियां नहीं है, डमी है। ए, क्या बेवकूफी की बात करता है? जिस तरह सच्चे मर्द को डराने के लिए बंदूक की जरूरत नहीं होती, वैसे ही सच्चे पुलिस वालों को किसी को डराने के लिए गोली की जरूरत नहीं होती, जैसा कि मैं हूँ। साहब मुझे माफ करना, मैं अभी पेशाब करके आता हूँ। अरे बेचारा डर गया। hey, कहाँ जाना है तुझे? क्या मैं एक मिनट के लिए सालिबान नहीं जा सकता? सालिबान? अरे इसे अरेस्ट करिए, सालिबान जाने की बात कर रहा है, कायदे से बाहर निकल जाएगा। अरे साहब वो वैसी बात नहीं है, मुझे अर्जेंट है, जोर से लगी है, यहीं पर कर दूंगा। लगता है रात में तूने सस्ती दारू पी ली थी, इसीलिए तेरे शरीर से इतनी बदबू आ रही है। जा यहाँ से। समझता नहीं ये बात को। घर तो काफी बड़ा है। कोई बात नहीं, मेरी बीवी ने सत्यनारायण की पूजा के लिए नारियल मंगवाए थे ना, अभी तो नारियल के भाव भी काफी बढ़ गए हैं, और इसके पास पूरी बोरी भरी हुई है, दो चार नारियल ले लेता हूँ। सर नमस्कार। सर हाँ नमस्कार। आप बहुत परेशान लग रहे हैं, आप यहाँ कैसे आए, कोई खास बात? देखिए इस घर में कल रात को कुछ हुआ था, मुझे खबर मिली, मैं पता लगाने चला आया कि क्या हुआ। मैं बताता हूँ। बता। कल एकदम अचानक से जोरों से बारिश के साथ बिजली गिरी, बिजली। करेक्ट सर। और रात को लाइट भी चली गई थी, बाहर बहुत ठंडी थी, तो हम घर में आराम से सो गए। तो आराम से सो गया था। तूने इस घर में क्या छुपा के रखा है, कहाँ छुपा के रखा है, क्यों छुपा के रखा है? सच्चे, हमने कुछ छुपाया है। चुप रह। सर ये थोड़ा सा पागल है सर, ये फ्रिज में रखे हुए खाने के बारे में बात कर रहा है। सर इसकी बात पे भरोसा मत कीजिए सर, मत कीजिए सर। एक्चुअली ये है कौन? सर ये भिखारी मेरा नौकर है सर। जाकर बाहर भीख मांग। अब ये दोनों कौन है? सर ये कौन है मुझे पता नहीं है। हाँ। ये कल ही यहाँ आए। हाँ। ये लोग प्यासे थे तो मैंने इन्हें बड़े प्यार से नारियल पानी पिलाया सर। हाँ। बाहर बारिश हो रही थी तो मैंने इन्हें यहाँ रुकने के लिए कह दिया। हाँ, बाकी मैं बताता हूँ। एक्चुअली कल रात को एक आदमी ने इस लड़की का रेप करने की कोशिश की, घबराहट में इस लड़की ने वहाँ पड़ा फूलदान उठाया और उसके सिर पर फटाक से दे मारा और वो झटाक से गिर कर मर गया। सही है ना? hey, वो लाश कहाँ है? लाश? अरे चिंता मत करो सर, जहाँ भी जाते हैं या तो पैसों की बात करते हैं या तो लाश की बात करते हैं। सर आखिर बात क्या है? तू नालायक, मैं यहाँ मर्डर की बात कर रहा हूँ, तू बीच में आकर कहाँ से टपक गया? जा बाहर खड़ा रह, जा। नालायक बीच में आकर बकबक करने लगता है। हाँ, बताइए सर। मुझे कल एक गाड़ी मिली थी, गाड़ी का नंबर था MH3646। ये तो हमारी गाड़ी। वो गाड़ी किसकी है? वो गाड़ी मेरी है सर। तुम्हारी है? सर हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी तो हाँ। हमने उसे गैरेज में छोड़ दिया था, जब हम यहाँ आए और उसे कॉल किया तो मैकेनिक ने कहा गाड़ी सुबह के ले जाना, बस यही जानता हूँ सर। उसे अंदर लेकर आ जा। सर वो आ गया सर। सर हाँ यही था क्या? सर यही था सर। हाँ ये लिमिट से ज्यादा स्पीड में गाड़ी चला रहा था, मैंने इसके गाड़ी रोकी तो इसने कहा सर गाड़ी पंचर हो गई थी तो मैं बनाकर इसका टेस्ट ले रहा हूँ, तभी मुझे डाउट हो गया और मैं इस सच का पता करने यहाँ चला आया। सही बात है ना? करेक्ट सर, ये वही आदमी है। हाँ चाबी दो। ये आपके बाइक की चाबी सर। सर ट्यूब चेंज किया उसके पैसे। हाँ हाँ सर मैंने इसे ट्यूब बदलने के लिए पैसे दिए, लेकिन आपको क्यों सर? इस सिंघम का यहाँ कमिंग एंड गोइंग के लिए ये कन्वीनियंस है, समझ गए? बाय। यहाँ आओ, देखो तुम्हारी गाड़ी खराब थी, अब ठीक हो गई है ना, अब यहाँ से निकल जाओ नहीं तो मुसीबत में फंस जाओगे, चलो जाओ। सर यहाँ पर एक खून हुआ है और मैं नहीं चाहता कि हमारे गुनाहों का इल्जाम आप पर आ जाए सर। मुझे पता है कि लाश के साथ क्या करना है, तुम लोग अभी जाओ। सर जाओ, जाओ। सर लेकिन अरे पहले जाओ तुम लोग। जाओ। सर, नो 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 प्लीज गो सर। ओके ओके सर। नो 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 बाय बाय।
ए बावर्ची, क्या हुआ? अब क्या हुआ? मुझे क्यों बुलाया? ऐसे घूम के आने को किसने कहा? तो क्या इन सबके ऊपर से आऊं क्या? जूते से मार खाएगा। जाने दो। बड़ी मुश्किल से उन दोनों को यहाँ से निकालने में कामयाब हुआ। देखो मैं ऊपर जाके ड्रिंक लेता हूँ, तुम अंडा भुर्जी लेके आओ। मुर्गी ने अभी तक अंडा नहीं दिया। अब याद आया, डब्बे के अंदर रखा है। गरम होना चाहिए। मधु, उस घर में खून हुआ है, तुमने उस आदमी को मारा, तो फिर सत्या हमें ही घर से बाहर निकालने के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है उस घर में कुछ तो गड़बड़ है। और एक बात है। क्या है? यहाँ आओ। अभी रहने दो। अपना कान इधर दो। अच्छा? ए, अपना मुंह बंद करो, अंदर मक्खी चली जाएगी। पीछे के दरवाजे से चलते हैं और स्टोरी को एक फाइनल ट्विस्ट दे देते हैं, क्या कहती हो? चलो चलते हैं। आओ। वो तुम पे चिल्ला रहा था, तुम्हें मार रहा था, पर तुमने कुछ भी नहीं किया। तुम मर्द भी हो या नहीं, तुम्हें उससे डर क्यों लगता है? शायद मैं कमजोर हूँ, उतनी ताकत नहीं है मुझ में, पर मेरे पास एक बड़ा दिमाग है। अरे उसमें सिर्फ गोबर भरा हुआ है। एक बढ़िया प्लान बनाया है। और वो क्या है? अंडा भुर्जी बनाऊंगा, उसके अंदर फिनाइल डालूंगा, वो खाएगा और तड़प तड़प कर मर जाएगा। वो नरक में जाएगा, उसे फर्श पे तड़प तड़प के मर जाना चाहिए। मैं उसे बहुत डांट दूंगा। मेरे शोना, बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है। मेरी जान, मेरी बात सुनो। क्या है? भुर्जी में मिर्ची भूल गया। तुम क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं, लेकिन तुम चिंता मत करो, इस स्टोरी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं, बस तुम देखती जाओ। ओके। तुम वापस कैसे आ गए? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है कि मैं क्यों और कैसे आया। अब इसे खाओ। वो क्या है? आज मंगलवार है, मैं अंडा नहीं खाता। जल्दी खाओ। ए, ये सब क्या लगा रखा है? मेरे पति को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अबे चुप कराओ, इसे चुप कराओ। मेरी जान, शांत हो जाओ ना तुम। ए, सच सच बता, तूने इसमें फिनाइल मिलाया है ना? मैंने देख लिया, कौन हो तुम? और ऊपर बैठा हुआ वो राक्षस सत्या कौन है? इन्हें सच बता दो, ये लड़का मुझे होशियार लगता है, ये हमें जरूर सपोर्ट करेगा, बता दो। बताओ बताओ, मैं सपोर्ट करूंगा, बताओ जल्दी। मैं बताता हूँ, जब मैं सब्जी खरीद कर बाजार से वापस आया, जूस देने के लिए मैंने मालिक को घर में हर तरफ ढूंढा, पर वो नहीं मिले मुझे। फिर मैंने दो आदमियों को सीढ़ियों से नीचे आते हुए देखा, उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मेरे मालिक की जान ले लेंगे और साथ में मेरी भी जान ले लेंगे। उन्होंने मुझे दोनों गालों पे दो दो चाटे मारे। मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ, मुझे बस इतना ही पता है। मगर घर के असली मालिक कहाँ है? मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है, पर मैं भगवान की कसम खाता हूँ, मेरी इस बीवी की कसम खाता हूँ, मैं सिर्फ सच सच और सच बोल रहा हूँ, इसके सिवा कुछ नहीं कह रहा हूँ। क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ? सर, वो भगवान की कसम खा रहा है, झूठ नहीं बोलेगा। अब बाकी की सारी बातें भूल जाओ, उसे ये अंडा फिनाइल भुर्जी खिला के मार देता हूँ। अभी आए मैं। पागल, अगर ये भुर्जी खा के वो मर गया तो तुम्हें कौन बताएगा कि तुम्हारे मालिक कहाँ है? अरे मैं भी बेवकूफ हूँ, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं, अब क्या करें? एक भुर्जी और बनाओ, फिनाइल डाले बिना। फिनाइल तो क्या, मैं कुछ भी नहीं डालूंगा। तुम देवदूत बनकर आए हो, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अंडा भुर्जी तैयार है, मैं जाके उसे दे आता हूँ। एक मिनट रुको, तुम मत जाओ, तुम्हारी बीवी को भेजो। जाओ जाओ जाओ।
जरा ठहरो। क्या हुआ मैडम? उससे कुछ मत पूछना। आप डर क्यों रही है? मैं बराबर एक्टिंग करूंगी। ये बहुत महंगा पड़ रहा है। जरा संभल के आना। अब वहां क्या खड़ी हो, जाओ ना। सर ये लीजिए। ये अंडा भुर्जी फ्राइड राइस जैसी क्यों दिख रही है? खाऊंगा कैसे? चम्मच कहाँ है? अभी लाई सर। कोई जरूरत नहीं है। मैं लेकर आती हूँ ना सर। बोला ना जरूरत नहीं है। यहाँ बैठो। नहीं ठीक है सर। बैठो नीचे। शंकर ये लीजिए नशा शराब में होता। सर आप खुशी भरे गाने गाते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। गुस्सा आपके चेहरे पर सूट नहीं करता। सूट नहीं करता? नहीं सर। गुस्सा सूट नहीं करता, बताने वाली तुम पहली औरत हो। मुझे आपके बारे में बहुत कुछ पता है। क्या पता है तुम्हें? दरअसल मेरा मतलब है मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता है, बस है थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा ही पता है बस। थोड़ा सा? ठीक है, तुम्हें जो पता है बताओ। दरअसल वो जल्दी बोलो। आप अच्छे आदमी हो, बड़े दिल वाले हो, जो कभी किसी को फंसा नहीं सकता। मुझे पता है, पता है मुझे। शाम तक यहाँ रुको, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। शाम तक पिक्चर दिखाने वाले हो? 16:70 mm बूढ़े प्रेमियों की एक गोल्डन जुबली फिल्म दिखाऊंगा तुम्हें। मैं लाइव दिखाऊंगा, अपनी आंखों से देख लेना। इसका मतलब आपने मालिक और मालकिन को छुपा के रखा है? कहाँ छुपाया बताइए ना। शराब पीने के बाद औरतों से बात नहीं करनी चाहिए। अगर मैं तुम्हें राज बता दूंगा तो स्वामी की तरह मेरा पर्दा भी फाश हो जाएगा और मेरी सीडी चैनल वाले दिखाएंगे। सर मैं सबकी कसम खा के कहती हूँ, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, बताइए ना। तुम कपड़े किस साबुन से धोती हो? सिन से। इस भुर्जी में सिन साबुन डाला है क्या? अरे अरे अरे, कोई तो घंटी बजा रहा है, अब क्या करें, क्या करें, मेरे बीवी ऊपर। चलो सर, मैं दरवाजा खोलूं? मैं खोलूंगा। पहले खिड़की से झांक कर देखो, जाओ जाओ जाओ। ए भगवान मुझे बचा लेना, अब कौन आ गया यहाँ पर? कौन है, कौन चाहिए आपको? अरे मैं हूँ भाई, डॉक्टर प्रकाश नामदेव। डॉक्टर है? डॉक्टर कह दो के घर पे कोई नहीं है। किसे मिले आपको? तुम्हारे मालिक घर पे नहीं है? क्या कहूँ क्या कहूँ, मालिक नहीं है, घर पर नहीं है। तुम्हारे मालिक ने ऐसा कहने के लिए कहा है क्या? दरवाजा खोलो बेवकूफ कहीं के। अब क्या करूं मैं, बताओ। ठीक है उसे अंदर बुलाओ, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। मैं कैसे? फिर से सोच लो जरा एक बार। मेरी दरवाजा खोलो ना यार। आ रहा हूँ, जाओ रास्ता दो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? इतनी देर मुझे दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया है? तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रुको मैं तुम्हें चेक करता हूँ। अजीब बात, नो साउंड, ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब वो वायर तो कान में घुसड़ी है, तब सुनाई देगा ना आपको। शायद मैं भूल गया था। अब बीबी कोई आवाज नहीं आ रही है? वो मेरी आंखों के सामने वो जो पड़ा है वो क्या है? नहीं कुछ नहीं, मैं जरा परेशानी में हूँ इसीलिए। मेरा दिल शायद सीने में से फुदक कर पेट में डूब गया होगा। मजाक कर रहे हो?
सुनाई दे रही है, सुनाई दे रही है। तुम्हारे दिल की धड़कन है यार रहमान के म्यूजिक की तरह है। व्हाट अ रिदम। आपको मजा आ रहा है और मुझे डर है कि कहीं मेरा दिल अब पेट से नीचे कहीं बाहर आ जाए। छोड़ दीजिए, छोड़िए, हट जाइए। तुम मेरा ट्रीटमेंट लेने से मना कर रहे हो, ठीक है करो। हर गधे के दिन आते हैं, आज तुम्हारा दिन है मोहन। अरे नहीं नहीं नहीं, वो अभी ये चेहरा इससे पहले इस घर में मैंने कभी नहीं देखा। कौन है ये, कौन है ये? ये दोनों मेरे मालिक के करीबी रिश्तेदार हैं। मुझे इसका भी इलाज करना पड़ेगा? नहीं डॉक्टर, इनकी मशीन ठीक से चल रही है, बहुत लंबी चलेगी। हाँ अब मुझे क्यों मारा है डॉक्टर? ये नारियल का बोरा यहाँ पर क्यों रखा है? नारियल से भरा बोरा हॉल में रखता है क्या कोई? अब वो ऐसा है। नहीं, क्यों? इसके अंदर लाश है। आपको घर के मालिक से मिलना है? आइए मैं मिला देता हूँ। सर आइए, सर आइए ना। मोहन अंदर है क्या? आइए ना सर, वो अंदर क्या कर रहा है? मोहन, ए मोहन, कहाँ है मोहन? सर मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए प्लीज सर। ठीक है बोलो। दरअसल घंटी किसने बजाई? ओहो, तुम लोग अंदर कैसे आ गए? किसने आने दिया तुम लोगों को? चलो बाहर चलो। कहाँ लेकर जा रहे हैं उन्हें? बाहर। नाश्ता रेडी है, आप लोग खा लीजिए ना। हाँ हाँ, वो बहुत थके हुए लग रहे हैं, नाश्ता करने के बाद चले जाएंगे। देखिए ना, देखिए तो इनकी हालत। हमारा परिवार मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है, नाश्ता ही नहीं खाना खिला के भेजो। ये बात सही। चलो चलो जाओ तुम दोनों। ये लीजिए। खा लो। बस बस अच्छे से खा लो। आइए ना, आप भी साथ में खाइए। नहीं वो हमें खाना खिलाने के बाद खाएंगे, तुम लोग खाओ और निकलो। मुझे ये बताओ ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? इसको जल्दी मैं सबक सिखाऊंगा, तुम देख लेना मेरी ताकत। अरे तो फिर जल्दी सिखाओ ना। अरे बेवकूफ, उसे जाकर काटो, एप्पल को नहीं। जाओ जाओ। अयो ये भगवान। एप्पल नाश्ते के बाद ठीक है, जाने दो ना। तुम्हारी इतनी हिम्मत, पीछे से मुझे मार डालोगे? ये आइडिया तुम्हारा था या किसी ने तुम्हें दिया था? मालिक, मालिक। कोई किसी को हिम्मत दे नहीं सकता, मर्द उसे लेके पैदा होता है, जानते हो ना। कमजोर को मारना तो बुजदिलों का काम होता है, हिम्मत वालों का नहीं। ए सत्या, यहाँ पर सभी को पता है कि इस पिक्चर में तू ही विलन है, तो बता
इस घर का मालिक कहाँ है? तुम्हें पता चल गया तो क्या क्या कर लोगे मेरा? मुझसे टकराने की कोशिश मत करना, चलो निकलो। अगर इस दुनिया में बुराई है तो अच्छाई भी जिंदा है। जब जब तुझ जैसे शैतान ने इस धरती पर जन्म लिया, भगवान ने इंसान का अवतार लेके उसका खात्मा किया है। अगर तूने हक पार की ना तो मार डालूंगा। अभी भी वक्त है, पीछे हट जा। गलत जगह हाथ डाला शंकर, मेरे रास्ते में जो आता उसे काट देता हूँ, और तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो तो काट के फेंक दूंगा। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि तू मुझे मार दे। मैं शंकर हूँ, शंकर, और शंकर की बॉडी एक चट्टान है। चलो देखता हूँ ये चट्टान कितनी मजबूत है। ये कहां चली गई? इसे मारने का इरादा नहीं था। शंकर उठो, शंकर उठो, शंकर, शंकर। इधर आ। आया मालिक। मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? कसम से मैं आपको नहीं ऊंचे मारने आया था। शंकर उठो, शंकर उठो। ओ मुझे तो मर गया। फोन उठा। सर जैसे ही फोन बजा मैं साइलेंट मोड से एकदम वाइब्रेट मोड में चला गया। क्या मुझे सच में फोन उठाना चाहिए मालिक? अगर नहीं उठाया तो जान से जाएगा। उसे अच्छा है कि मैं जाके फोन उठा लूं। उठाता हूं। जल्दी करो। का फोन है? हेलो, कौन है? हेलो नंदा। ए माली, माली। नहीं नहीं नहीं, एक हफ्ते के एक हफ्ते के बाद आना। मेरी बात फोन रखना, ठीक है? चलो रखो रखो रखो। नंदा, नंदा। घास काटने के लिए पूछ रहा था माली। वो ना हमारा माली था। माली? हाँ हाँ, सच कह रही। आखिर इसे क्या हुआ? हाँ, something is wrong।
अरे सुनो माली, तुम फॉरेन से कब गए? नंदा, फोन रखो। आखिर वहाँ हो क्या रहा है? माली था तो तुम बताओ ना, बताओ। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो फॉरेन में जा रहा है ना घास काटने के लिए, तो अचार के बारे में पूछ रहा था। बराबर का। कौन है? हेलो नंदा, मैं राजू बोल रहा हूँ। हाँ, तुम्हारी आवाज सुन के अच्छा लगा। आधे घंटे में यहाँ पहुँच जाओ ना प्लीज। सर मैं आ रहा हूँ सर, लेकिन मेरे माता पिता को। पहले तुम यहाँ आ जाओ, फिर बात करते हैं। ठीक है सर, जल्दी ही आ रहा हूँ। बाय। ड्राइवर गाड़ी तेज चलाओ। मुझसे झूठ कैसे बोला? मालिक, एक छोटा झूठ बोलने की वजह से कोई जान ले लेता है क्या? आज नहीं, ये घर मेरा होने के बाद एक ही फटके में तेरा सर खोल दूंगा। मैली है। अरे मेरी जान, तुम तो ठीक हो ना? से घंटी बजी, न जाने आप कौन होगा। दरवाजा खोल खोल कर मैं परेशान हो गया। आया। रुक, ये लक्ष्मी जी के घर आने का समय। अपने इस मनहूस चेहरे के साथ दरवाजा खोलेगा तो वो उल्टे पांव वापस चली जाएंगी। लक्ष्मी आएगी लक्ष्मी, इसे तो तड़पा तड़पा कर मारना चाहिए। तेरा सर तोड़ दूंगा। बहुत अच्छा। आओ मेरे लॉटरी के टिकट, देखने में तो तुम कितने सुंदर दिखते हो। जी करता कि एक पप्पी ले लूं। हे, तुमने अपने माँ बाप से झूठ कहा था ना कि तुम फॉरेन में काम करते हो, लेकिन असल में तुम यहाँ होटल में वेटर का काम करते हो। पहले बताओ मेरे पिताजी कहाँ हैं। सिर्फ तुम्हारे बाप से नहीं, तुम्हारी माँ से भी मिलवाता हूँ। आओ। अरे आ जाओ, ये लो साइन करो। मैं साइन नहीं करूंगा, पहले मेरे मम्मी पापा से मिलाओ। अगर नहीं मिलवाया तो मैं साइन नहीं करूंगा। मैं तुम्हें कीड़े मकोड़े की तरह कुचल के रख सकता हूँ, लेकिन बिना तुम्हारी जायदाद कैसे मिलेगी, इसलिए तुझे मार नहीं सकता। यहाँ साइन कर दो। मैं साइन करूंगा, लेकिन पहले मम्मी पापा से मिलाओ। मेरी बंदूक कहाँ गई? छोटे मालिक, नंदा आप यहाँ पर क्यों आ गए? फुटबॉल की तरह एक लात मारू क्या? देखिए ये बहुत दूर से आए हैं, इन्हें इनके परिवार से मिला दो, ये साइन कर देंगे। ऐसी बात है, तुम्हारे माँ बाप इतने बूढ़े हैं, फिर भी तुम उन्हें इतना चाहते हो। चलो मिलवाता हूँ उनसे, फिर भी अगर तुमने साइन नहीं किया तो तुम्हारा खेल खत्म। ये कौन से कमरे की चाबी है? ए बावर्चे, इधर आ। साहब, इससे कौन सा दरवाजा खुलता है? नंदा इतना बड़ा पापी है, अंदर मन कर दिया।
खुल रहा। जल्दी कर बेवकूफ। पापा क्या तुम कितने बेरहम हो, राक्षस हो, ऐसे बुजुर्ग इंसान को कोई बंद कर देगा? पापा, पापा, वो मर जाएंगे, जाओ पानी लेके आओ। मम्मी, मम्मी, पापा, पापा। मुझे क्या दे रहा है, उनके मुंह पे मारो, मार। मम्मी, बड़ी मालकिन, पापा, पापा, बड़ी मालकिन, पापा आगे खोलो, पापा। बड़ी मम्मी, उन्हें वहाँ लेकर आओ। पापा, पापा, मालकिन जाए, मालिक, आगे, आगे खोलो, पापा, पापा, मम्मी, आगे खोलो, आगे खोलो। पापा, मम्मी, आगे खोलो। आराम से, आराम से, आराम से। ए, जल्दी लेके आओ, जल्दी। आइए, 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 यहाँ, यहाँ, बैठ जाइए। आराम से, आराम से, बैठ। पापा, ये तुम कितने बुरे इंसान हो, इन दोनों को तुमने बंद करके रख दिया। तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो, आखिर तुम ये कर कैसे सकते हो? ए, मेरी दया की वजह से ये लोग अभी तक जिंदा है, नहीं तो ये लोग पता नहीं कब के मर गए होते। ज्यादा ड्रामा मत कर, यहाँ साइन कर। राजू, साइन मत करना। इस घर की वजह से ही आप दोनों की ये हालत हुई है। ये घर मुझे नहीं चाहिए। मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ पापा। कहाँ करनी है साइन? ऐसा मत करो, साइन मत करो। तुम चुप रहो, जिंदा रहे तो ऐसे घर और ले सकते हैं। बेटा तुम साइन कर दो, कर दो, कर दो ना बेटा। मत करो, मत करो। सत्या, तुम ताकतवर तो हो, पर मैं तुमसे दुगना ताकतवर हूं। लड़ाई में मुझे हराओ और ये पेपर ले जाओ। ए, मैं यहां पैसे कमाने आया हूं, लड़ाई करने नहीं। दिमाग मत खराब करो, पेपर इधर लाओ। मैं इतना अच्छा भी नहीं हूं कि तुझे ये पेपर दे दूं। तो जैसे लोगों को किस तरह से हैंडल करना है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। तुझे ये जायदाद तभी मिलेगी ना जब वो इस पेपर। नहीं, ऐसा मत करो। अरे मेरी जान, तुम तो ठीक हो ना? रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। ए, इधर आओ और पेपर साइन करो। ए, ए, मुझे शूट करेगा तू? मेरी बेटी। पापा। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा कैरेक्टर कौन है? ए महाशय, कौन हो तुम लोग? साहब, मैं इस घर का मालिक हूँ। ये मेरा बेटा है, जब से ये फॉरेन गया है उसी दिन से इस घर पे कब्जा करने के लिए ये हमें रोज धमकियां देता है। इसे बिल्कुल मत छोड़ना सर, इसे सजा दो, पकड़ो इसे सर। हाँ, ए, इधर आ। ये लोग इस घर के मालिक हैं? मैं कसम खा के कहता हूँ यही घर के असली मालिक है। वो आदमी वहाँ वो गुंडा है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए। तू तो शक्ल से ही 420 लगता है, थोड़ी देर के लिए तेरा केस पेंडिंग रखता हूँ। हाँ, मुंह बंद करके खड़ा रहे। ए महाशय, इधर आओ। देखो, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। साहब, ये सत्या पिछले कई दिनों से इस घर पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार, अब आप लोग जा सकते हैं। आओ आओ, बैठो बैठो ना। अच्छा, राजू से बात करो।
कैसे हो बेटा? सब कुछ ठीक है ना? मैं यहाँ ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वो लोग पिछले 6 महीने से हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, जल्दी से घर आ जाओ। कल मैं बैंगलोर आ रहा हूँ और उसके अगले ही दिन ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा। बेटा हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। क्या बात कही लैला मजनू, इस उम्र में भी मजे करने हैं, वाह 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 वाह, फॉरेन जाने का प्लान चल रहा है, वाह 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 वाह। पापा, पापा वहाँ क्या हो रहा है? अरे तुम तो हीरो जैसे दिखते हो, तुम्हारी तो पप्पी लेने का दिल कर रहा है। ए, तुम अपने बाप से कहो कि इस पेपर पे चुपचाप साइन कर दे, अगर नहीं किए तो इन लोगों को इतना मारूंगा कि अपने जख्म भी नहीं गिन पाएंगे। ए, कौन हो तुम? ए, तुमने सिर्फ अभी मुझे देखा है, जब मिलोगे ना तो पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूँ। प्लीज मेरे मम्मी पापा को कुछ मत करना, तुम्हें जायदाद चाहिए ना। तुम्हें साइन करना हो तो करना, लेकिन मैं नहीं करूंगा, समझे? क्या बोला, नहीं साइन करेगा तू? तो साइन करेगा कि नहीं? इन लोगों से बात करने से कुछ नहीं होगा, इन लोगों को अंदर लेके चलो। चल चल चल, चुप कर, साइन नहीं करेगा, चुप रहो, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ए, इन्हें ऐसे बात समझ में नहीं आएगी, इन्हें अंदर लेके चल। ए, चल उठ, चल फट, चल चल, साइन कर, कुछ साइन नहीं करेगा। छोड़ दो, ये क्या किया? ए, पकड़ इस औरत को। अच्छा भाई, तो ये आपके घर पर आया और आपको धमकी दी, उसके बाद आपको बांधा, फिर बिना भाड़ा दिए आपके घर पर रहने लगा? हाँ सर। ये तो बहुत ही 420 है। ए, इधर आ, चल इधर आ। आता हूँ सर। अरे एक नंबर का 420 है तू। ए, तू तो ओवर ब्रिलियंट है। Hey, तेरी अतड़िया निकाल दूंगा, तू मुझे जानता नहीं है। इसको गाड़ी में बिठा ले, चल। सर, 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 एक मिनट सर, एक मिनट। हुआ? मैं अपना गुनाह कबूल तो कर, जल्दी से कर। सर मेरा एक साथी भी था, उसका इस लड़की ने खून कर दिया सर। पांडू। पांडू कौन है? मेरे लिए तू ही पांडू है। इस घर में खून हुआ है कि नहीं? खून, सच बता ना। किधर? सर उस बोरे में। सर मैं दिखाता हूँ सर, आइए सर, आइए सर। किधर है? इसके अंदर है। क्या है? इसे जल्दी से खोल। ये क्या? ए, तूने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? तू इस सब को लाश कहता है? वो क्या हुआ सर, मैंने इन्हें लाश को इस बोरी में डालते हुए देखा था, उसके बाद लाश चलते हुए गई, रेंगते हुए गई, मुझे ये बात नहीं पता सर। क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ, लेकिन वो सर देखिए सर, वो कैसे हंस रहा है। सर उसने ही लाश के साथ कुछ किया है सर। पूछिए सर, मैं उससे पूछ लूंगा। इंस्पेक्टर मैं हूँ कि तुम हो? हाँ पूछिए सर। क्यों रे तू हंस क्यों रहा है, यहाँ कॉमेडी चल रही है क्या? यहाँ कोई खून हुआ ही नहीं है, इसीलिए तो मैं हंस रहा हूँ। मैं बताता हूँ सर क्या कि यहाँ क्या हुआ। तो ये विलन है? चंदा ने पूछा कि घर का मालिक कौन है, और तभी मधु नीचे गिर पड़ी। जब मैं उसकी मदद कर रहा था तब मेरा हाथ बोरी को लग गया, और जब देखा तो पता चला कि नागेंद्र जिंदा है। उसी वक्त आप आए और बताया तो पता चला कि बाइक तैयार है। उसके बाद सत्या ने हमें जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया। बाहर आने के बाद मैंने मधु से नागेंद्र के जिंदा होने की बात बताई और हम घर के अंदर वापस आ गए। मेरी इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी, इसलिए मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, और उसी वक्त डॉक्टर साहब भगवान की तरह आ गए। जो कुछ हुआ वो बताने के बाद जब मैंने विनती की तब उन्होंने नागेंद्र का इलाज किया, और उनके इलाज के बाद नागेंद्र पूरी तरह से ठीक हो गया। तो ये है पूरी कहानी सर। पुलिस, पुलिस! ए, तू पागल हो गया है क्या? अभी मैं कितना अच्छा इंस्पेक्शन कर रहा था, अभी मैं मुजरिम को पकड़ने ही वाला था, तूने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया नालायक। सर मेरी बात तो सुनिए सर। ए, क्या सुनूं? इससे पूछे मेरा साथी कहाँ है, पूछे सर। ए, तू जा रे, जाकर जल्दी से लाश लेकर यहाँ। एक मिनट में आया सर।
डॉक्टर। डॉक्टर हाँ? वो सो रहा है। हे नागेंद्र, नागेंद्र ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना? सर, इसका असली चेहरा सामने लाने के लिए और ये साबित करने के लिए कि ये जिंदा है, मैंने आपको और मधु के पिता को यहाँ आने के लिए कहा। देखिए ये नहीं नहीं, ये मर चुका है सर, ये मर चुका है सर। और इसने ही शट अप, मैंने इसे इंजेक्शन दिया है इसीलिए बेहोश हो गया है। इसके मुंह पे पानी मारो। ए नंदा मारो, अभी भी जिंदा है। देख लो डॉक्टर, अगर वो इंजेक्शन देने से मर जाता तो तू क्या करता? मैं डॉक्टर हूँ, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने ये सिर्फ अपने दोस्त की जान बचाने के लिए किया है। अगर मैंने कानून के खिलाफ कुछ किया है तो उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, लास्ट चांस दिया, अगर फिर से ऐसी गलती की तो हवालात में डाल दूंगा। ठीक है बेटा शंकर, तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है और इस एहसान का हम शुक्रिया कैसे अदा करें? भगवान तुम्हें लंबी उम्र अदा करे। हाँ बेटा, हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं। अगर तुम सही समय पर नहीं आते तो बात बहुत बिगड़ सकती थी। हवलदार, इनको लेकर चलो, जल्दी करो। वेलकम शंकर। गुड मॉर्निंग सर। ट्रेनिंग होने के बावजूद तुमने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके एक परिवार की जान बचाई, वेल डन। प्लीज बैठो। थैंक यू सर। जस्ट अ मिनट शंकर। या प्लीज सर। केस फाइल लेकर आओ। ओके सर। थैंक यू शंकर, दिस इज योर फर्स्ट केस। विद माय प्लेजर। शंकर सर, मैं इसे जानता हूं, इसका नाम मधु है। मैं और ये पिछले 6 सालों से एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये कोई गुनाह कर सकती है। सर देखो शंकर, अक्सर हमारे करीबी लोग भी बहुत बड़े क्रिमिनल्स होते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता। सर लेकिन देखो शंकर, अगर हमारी जान पहचान हो तो सारे काम हो जाते हैं, यहाँ तक कि स्कूल में एडमिशन भी हो जाता है। कभी कभी जानकार आदमी नौकरी नहीं पाता और फिर वो सर्वाइवल के लिए गलत काम करने लगता है, क्रिमिनल बन जाता है। जब एक सैनिक अपने देश में भ्रष्टाचार देखता है तो उसे अपने देशभक्त होने पर पछतावा होता है और उसे ये लगता है कि वो हमारे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालता है। सर मैं समझ गया कि आप क्या कह रहे हैं। जब परिवार में बच्चा पैदा होता है तो ऐसा नहीं है कि परिवार सुखी रहे, और जब मौत होती है तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा दुखी रहेंगे। हमारे हाथ सैल्यूट भी करते हैं और साथ ही साथ भ्रष्टाचार भी। यहाँ पर लोगों को सपनों की दुनिया में रहने की आदत पड़ चुकी है। सर अन्याय और अत्याचार करने वाला गुनहगार चाहे कोई भी हो, मैं अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके उसे सजा दिलवा कर ही रहूंगा। गुड, जितनी जल्दी हो सके ये केस सॉल्व करो। श्योर सर। क्या मधु कभी कोई गुनाह कर सकती है? क्या उसका अंडरवर्ल्ड से कोई रिश्ता हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मधु के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है? या मधु जैसी दिखने वाली कोई और लड़की हो सकती है? क्या उसकी कोई जुड़वा बहन है? अगर होती भी तो फाइल में उसका नाम तो अलग होता। क्या वो घर हड़पने का प्लान मधु का था? जब मैंने उसे कहा कि हम सुबह मंदिर जाएंगे तब उसने ऐसा क्यों कहा कि दोपहर में चलेंगे? उसने कबूल क्यों नहीं किया कि नागेंद्र को उसने मारा है? क्या सच में मधु ने ही नागेंद्र को मारा है? क्या मधु, सत्या, नागेंद्र बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं? मैं बहुत ही कंफ्यूज हो रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, वो भी ड्यूटी के पहले ही दिन। मेरी मधु तो बेगुनाह है, हमारा प्यार सच्चा है। मुझे बड़ी सावधानी से इन्वेस्टिगेशन करके ये केस सॉल्व करना पड़ेगा। We'll be right back.
देखो तुमने गलती कर दी मैडम, अपने वहाँ जो बोला था ना वो कुछ अलग था वो। हाँ तुम ना बड़े शरारती हो गए हो, मैं तुम्हें कह रही हूँ सुधर जाओ वरना सुधर जाओ। आगे क्या था मैं भूल गई। लेते ये डायलॉग कट कर देना। देखो ये जो सीन है ना तुम यहाँ से अगर कट करके यहाँ से लगाओगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इससे पहले जो सीन है वो मैच नहीं कर रहा है ना। हाँ ये यहाँ पे ये हाँ इसे ज्वाइन कर दो। हाँ तो ठीक रहेगा। देखो हाँ ये देखो ये हाँ यहाँ से